राम राम सारी बहना ने और सतन सहेलियां सारिया बहनों राम राम। सारी बहना खुश रहो और मस्त रहो, काम में सारी व्यस्त रहो। तो आज मैं थाने कथा कहूँ 84 लाख जूनी टड़े ही कथाऊँ सुने तो, और सारी सुनियो बेचारा ना छोड़ियो, सारी बेचारा छोड़ो तो कथा को अपमान होगा और सारी सुनोगे तो कथा को सम्मान होगा। तो कृष्ण भगवान की कथा को सुनो थे 84 लाख जूनी टड़े कृष्ण जी को वरदान दे रहे थे, सारी सुनियो फिर थाने समझ में आवेगी। तो कृष्ण जी अजग कभी गुजरिया मटकी फुड़ाता, कभी वहाँ दूध उड़ा देता, कभी मक्खन चोर लेता। तो वह रोजगी ओलमो ले गए माता जसोदा कन आंती आंती नहीं। तो एक दिन अज की गोपनिया घरे आ गए ओलमो ले गए आगे नहीं जो कृष्ण जी तो बाजो डर तो भी माँ कन ओलमो ले गया आगे जसोदा मैया मारेगी जाने कुटेगी। तो यह नहीं कगी जसोदा मैया जमाई आज का कृष्ण ने जरूर कुटूंगी। कन लारे बाजी ले गए छड़ी यार बोली रुक जा कर तेना मैं दूंगी रोज कोई ओलमो लिया हुआ कदों। तो कृष्ण जी बाजते बाजते कुमार की न्याई बैठे कुमार गड़ा बनावे और मस्त हो रहे हो यार भगवान को नाम लिया प्रेम यहाँ लाग रहे हो। तो बैठे कुमार कन जाए बोले कुमार ने बोलियो कुमार जी भी मेरी मैया आवे छड़ी ले गई लारे अर मन्ने कुटेगी अर मन्ने लको लियो कुठाई। तो कुमार बोलियो आओ प्रभु लकोऊंगा थाने। तो कोई मोटो मटको भी नीचा कहेंगे नीचा बढ़ जाओ। तो बढ़ गयो तो आई जसोदा मैया कुमार कन आ गई बोली क्यों रे कुमार है बैठे मेरे कन आए हो के। बोली ना माँ जसोदा मैया अठे तो कोई नहीं कोई कन आए हो कृष्ण आयो। तो कृष्ण जी सुने मटका के नीचे तो वह देख गिर जसोदा मैया तो उठ गया आपको कृष्ण जी कह भी मेरी मैया गई तो कुमार ने कह भी काढ़ ली कुमार है। तो बोलियो मैया तो गई कुमार ने कृष्ण जी ने कहा मैं तेने काढ़ूँगा सूरी बड़े बचन दे मैंने। बोले ले ले बचन प्रसन्न हो गए कृष्ण जी। कृष्ण जी से बोलियो कह मेरी 84 लाख जूनी टड़े ईशो बचन दो। तो कृष्ण जी प्रसन्न हो गए मुस्करा गए और बोलिया ऐसे ही होगा। तो अब तो काट लिखा मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। बोले ना एक बचन और दो। बोलियो कह लै भाई बचन ले ले। तो बोले आप लुक रहे हो ये मटके की माटी मेरा बेल गए ऊपर ले आईड़ी आ तो बंगी भी जूनी टलनी चाहिए भी बेल की भी जूनी टलनी चाहिए। तो बोले कृष्ण जी भगवान बोले बोले जा जूनी टलेगी। तो अब तो काट ले मैंने बोले ना एक करो और को एक बचन और लूँगा। बोले मेरा सारे परिवार की जूनी 84 लाख टलनी चाहिए। जब कृष्ण भगवान बोले जा दे दिए वचन अब तो काट लिए। बोले महाराज एक कृष्ण जी ने बोले प्रभु एक विनती हो रहा मेरी छोटी सी लास्ट। जब कह भी वाह वाह और कह भी तू ले ले कह मेरे को वचन कोई। जब कह आपने दोनों की कथा आ कहानी सुने गो बिंगी 84 लाख जूनी भी टलनी चाहिए। तो कृष्ण जी हंस गए और देख के कुमार को प्रेम अरे इन प्रसन्न हो गया बोले ऐसे ही होगा। तो अब तो काट लिया मैंने मटका नीचे। बोलियो भगवान ने बोलियो एक बचन और छोटो सो मेरो कलश भी सब जगह होना चाहिए आपको नाम हुआ बैठे आप को और दई देवता को। जब कुमार को आप कलश हरेक जगह पूजा करावाने कलश की। तो जब कृष्ण भगवान वचन दियो कि जा तेरो अच्छा मेरे माड़े में सब जगह में तेरो कलश काम में आवेगो भैया माटी काम में ही आवेगी तेरी। जद आप भी मटको भी पहली पोच चाहिए अपन मट्टी को मटको कोई काम करा पूजा में और हरेक चीज़ का माँ। तो वरदान दे दियो कृष्ण जी वरदान दे दियो आपको काट दियो कृष्ण जी ने मटके नीचे। बोले अब काट बोले अब काटूँगा प्रभु काट गए गले मिलियो कुम्हार यार बहुत रोयो कुमार। बोले ये प्रभु आपकी लीला तो आपके ने खुशी का आंसू आया। जद भगवान है देखो प्रसन्न हो गया अच्छी तरिया। जद कह भगवान तो बाऊगा भूखा है और प्रेम का भूखा है और भगवान ने कहीं कौन चाहिए भगवान तो दे ही है लिया कौन अपने करूँ। तो आ 84 लाख जूनी टड़े आ कथा कोई सुने तो और सुनावे तो सबगी। तो आ सुनियो बेणो 84 लाख उद्यापन भी थाने मैं फिर बताऊँगी। आ एक कथा रा सुन लियो। अब सावण को महीनो चल है तो भगवान तो बहुत ही प्रसन्न हुआ शिव शंकर भगवान प्रसन्न हुआ बाद हुए कृष्ण भगवान भी जन्म होगा वो। तो आप पहला आप आगे नाम लिया प्रभु का तो आपने काम आवेगा ठीक है बहनों सारी खुश रहियो और मस्त रहियो और काम में सारी व्यस्त रहियो। राम राम सारी बहना ने।